हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं कच्चे पपीते का हलवा बना रही हूँ एकदम अलग तरीके से, और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला तरीका बताऊंगी, और इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप दूसरे हलवे खाना भूल जाएंगे। और यहाँ कच्चे पपीते को हम धोकर सुखाकर काट लेंगे और इसके सारे बीज निकाल लेंगे, और इसे अब हम अच्छे से छीलेंगे, छोटे छोटे पीस में काटेंगे और फिर ग्रेट करेंगे। तो छीलने के प्रोसेस पे पहले आते हैं, तो इसे पीलर की मदद से हम धीरे धीरे छील लेंगे। हाथों को बचाते हुए आपको ये काम करना है, और ये मैंने छील लिया। और अब इसके उजले परत जो अंदर की तरफ से हैं, इसे भी छील के हटा देंगे, वरना हलवा हमें तीता स्वाद लगेगा, हमारा हलवा तीता बन सकता है। तो इसे पीलर या फिर चाकू की मदद से आप छील के हटा सकते हैं। देखिए किस तरह से मैंने पूरा इसे छील के हटा दिया है। और अब इसके सारे टुकड़े हम कर लेंगे और सबको छील लेंगे, और अब इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ मैंने सबको ग्रेट करके रख लिया है। और ये पूरा मेरा ग्रेट हो चुका पपीता। अब हम कुकर में थोड़ी सी तेल डालकर गर्म करके इसमें ग्रेट किए हुए पपीते डालेंगे और इसे 2 मिनट तक चलाएंगे, और फिर फ्लेम को लो करके कुकर बंद कर देंगे और 1 सीटी आने तक का इंतज़ार करेंगे। और इधर कढ़ाई में हम दूध चढ़ाकर मावा तैयार करेंगे। आप मावा मार्केट से भी ला के बना सकते हैं, और यहाँ हम फ्रेश दूध की मावा बनाएंगे तो स्वाद बहुत अच्छा होगा। और अब दूध में उबाल आ गया है, और इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे गाढ़ा होने तक, और फ्लेम को मीडियम हाई रखें, और दूध उबलना नहीं चाहिए ये जरूर ध्यान रखें। और इधर हमारा मावा तैयार हो रहा है, और वहाँ कुकर में 1 सीटी लग गई, और फ्लेम बंद करके पपीते को ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है। और जैसे ही ये ठंडा हो गया तो अब हम कुकर खोल लेंगे, और ये देखिए हमारे पपीते कितने नरम हो चुके हैं इसके लच्छे। और अब फ्लेम ऑन करके इसमें हम चीनी डालेंगे और इसके जो भी पानी बचे हुए उसे सूखने देंगे। और यहाँ चीनी मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच मैंने चीनी यहाँ डाला है। और चीनी डालने पर भी पपीते पानी फिर छोड़ रहे हैं, और ये देखिए कितने नरम पपीते हो चुके हैं, और इसके सारे पानी भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। और यहाँ हमारा दूध का मावा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है। और इसमें अब हम पपीते के लच्छे को डाल देंगे, और अब इसे मीडियम फ्लेम पर मावा के साथ पपीते के लच्छे को चलाते रहेंगे। अगर हम पपीते के लच्छों में दूध डालकर कुक करते तो हमारा दूध फट जाता और उसमें छोटे छोटे दाने आते और वो सख्त होते, पनीर सा स्वाद वो करता। और यहाँ हमने दूध के मावा अलग से पकाए हैं, 20 से 25 मिनट में वो मावा तैयार हो गए, और फिर हमने इसमें पपीते के लच्छों को मिक्स करके इसे मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं। हर 1 से 2 मिनट में इसे चलाएंगे, और ये क्योंकि फ्रेश मावा है तो ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट होते हैं, और इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। और अब हम तड़का पैन में ड्राई फ्रूट्स पकाएंगे, इसमें हम काजू और बादाम को क्रश करके डालेंगे, किशमिश लास्ट में डालेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी पक जाती है। और इसे अब हम कढ़ाई में डालकर चलाएंगे 2 मिनट तक। और इधर मैंने 5 से 6 क्रश की हुई इलायची डाली, सबको मिलाकर से अब हम बाउल में सर्व करेंगे। आप चाहे तो ऊपर से और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा कच्चे पपीते का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनता है। और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.